हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा और इसीलिए चाहता हूं दोस्तों ये क्लास आप पूरी देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ जाए हमारे साथ में। तो दोस्तों ये जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ये हम मैं आपको बता दूं दोस्तों किस किस एग्जाम के लिए हो सकती है। दोस्तों हमारी जो यूपी पैट है दोस्तों सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे, उसके बाद दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल को फोकस करेंगे दोस्तों। और अगर लेखपाल का कोई पेपर दे रहा है दोस्तों तो लेखपाल के लिए भी दोस्तों पढ़ सकता है, और इस बात की दोस्तों गारंटी है इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों ये, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा क्या हिस्ट्री, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं बस वैसे वैसे दोस्तों आपको क्या है अपने कॉपी में नोट करना है मेरे साथ में समझते समझते, ठीक है। तो हिस्ट्री दोस्तों, हिस्ट्री मतलब क्या दोस्तों, इतिहास, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों जीरो से लेकर चलूंगा मैं आपको और बिल्कुल हीरो बना दूंगा दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी बिल्कुल आपसे ले रहा हूँ, ठीक है। इस बात की दोस्तों बिल्कुल गारंटी है, आपको हीरो बना दूंगा दोस्तों मैं इतिहास में, ठीक है। तो इतिहास में क्या बना दूंगा दोस्तों, मैं आपको हीरो दोस्तों बना दूंगा, ठीक है। तो इतिहास दोस्तों ये हो गया हमारा। अच्छा इतिहास है क्या दोस्तों, आपको दोस्तों इतिहास देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इतिहास मतलब दोस्तों क्या होता है। इतिहास मतलब पीछे की बात हो रही है, मतलब दोस्तों पास्ट की बात हो रही है। इतिहास मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्ट मतलब जो चीजें हमारे पास्ट में हुई हैं, क्या वो हर एक चीज इतिहास है? तो हर एक चीज दोस्तों आपकी हिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है। तो इतिहास की बात हम लोग कर रहे हैं तो पास्ट मतलब दोस्तों हम बोल सकते हैं अतीत की बात, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो भी बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे हम लोग इतिहास मतलब अपने पीछे हुए बीते हुए अतीत के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मेनली मैं बात करता हूँ दोस्तों इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो इतिहास में भी दोस्तों हम अभी क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इतिहास में आप सभी लोगों को बता दूं हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीजें, ठीक है। तो दोस्तों इतिहास में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको मैं समझाऊं तो इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री होती है और आपकी दोस्तों मेडिवल होती है और आपकी कौन सी होती है एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे हम लोग दोस्तों, प्राचीन भारत, ठीक है। मतलब इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। प्राचीन भारत या फिर दोस्तों मध्यकालीन भारत, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो बता दे दोस्तों, ठीक है। मध्यकालीन भारत कमेंट में कर दे सकता है, तो हम बायलिंगुअल भी दोस्तों वैसे डिस्कस कर ही रहे हैं, हर एक चीज बायलिंगुअल ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है दोस्तों आपकी, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। और दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या आता है, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत। मैं इसको दोस्तों ऑन बोर्ड भी पढ़ा सकता था लेकिन बोर्ड पर मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ दोस्तों मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर नहीं दिखा सकता। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों तो हम लोग जल्द ही दोस्तों पैनल ले लेंगे, 10,000 की जल्दी से फैमिली हम लोग कर लीजिए ताकि हम लोग आगे अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को देख सकें। प्राचीन भारत को दोस्तों हम लोग कह देते हैं एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया, ठीक है। मध्यकालीन भारत को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मेडिवल, मेडिवल इंडिया, ठीक है भाई। और आधुनिक को दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे हैं, मॉडर्न इंडिया। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी। तो मतलब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और हिस्ट्री भी दोस्तों आपकी तीन मैंने पार्ट बताया, तीन पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। पहले पे दोस्तों क्या हो गया प्राचीन भारत, दूसरे पे हो गया मध्यकालीन भारत, तीसरे पे दोस्तों क्या हो गया आपका आधुनिक भारत। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो दोस्तों इसे भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, इसे भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसे भी हम दोस्तों कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे हम दोस्तों डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, ठीक है। तीन कौन कौन से दोस्तों पार्ट आपके, तीन दोस्तों कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। पहला क्या होगा दोस्तों आपका, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। आप लोग बस पेशेंस, देखिए स्टूडेंट के अंदर पेशेंस होना जरूरी है, अगर पेशेंस नहीं है तो सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे आप, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कौन सा होता है, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ आपको, आद ऐतिहासिक काल, ठीक है भाई।
आद ऐतिहासिक काल, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा होता है आपका? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इतना समझ में आ गया। अगर हम दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में हम इसे क्या लिख सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताएं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अगर बायलिंगुअल के लिए कोई है तो वो लिख सकता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं आद ऐतिहासिक काल को? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आप सभी लोग दोस्तों लाइक जरूर करें। ऐतिहासिक को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? हिस्टोरिक पीरियड। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बात की गारंटी है। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड। चलिए इतनी बात आगे बढ़े, चलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, हमें कैसे क्या है पता लगा, कहाँ से कौन सी चीज मिली, क्या क्या था, हम उस बारे में भी सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों अगर हम क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, तो यहाँ पर दोस्तों साक्ष्य, तो हमारे साक्ष्य जो थे दोस्तों, साक्ष्य मतलब दोस्तों हम बोल देते हैं एविडेंस या फिर सबूत। तो यहाँ पर साक्ष्य तो थे, लेकिन यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिला। ठीक है, कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं था। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं आप। और आद ऐतिहासिक काल जिसे प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों एविडेंस मिले हमें और दोस्तों पढ़ा नहीं गया। मतलब दोस्तों क्या मिल गया? पढ़ा नहीं मिला, मतलब यहाँ पर लिखित प्रमाण मिले जरूर, लेकिन यहाँ पर पढ़ नहीं मिली, वो उस लिपि में थे जो उन्हें पढ़ नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो दोस्तों यहां पर आपके एविडेंस मिले, ठीक है, और यहां पर रीड भी कर लिया गया, रीड भी कर लिया गया। कौन से में दोस्तों? ऐतिहासिक काल में। ठीक है, किसमें? ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम चलते हैं, अगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रागैतिहासिक काल की। और प्रागैतिहासिक काल भी दोस्तों आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्रागैतिहासिक काल कितने पार्ट में दोस्तों डिवाइड होता है आपका? दो पार्ट में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों? दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस किस में? पाषाण युग और एक ताम्र युग। ठीक है, पाषाण युग, पाषाण युग, पाषाण युग, जिसे दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? स्टोन एज, स्टोन एज दोस्तों जिसे हम बोल देते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है आपका? ताम्र युग, ताम्र युग, जिसे दोस्तों क्या बोलेंगे हम? कॉपर, कॉपर एज। ठीक है, कॉपर एज जिसे हम दोस्तों बोलेंगे। अब पाषाण युग को भी दोस्तों तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका जो हमारा आज का दोस्तों क्या बनेगा? लेक्चर बनेगा। इस पाषाण को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन में। ठीक है, एक, दो और ये तीन। चलिए, तो पाषाण युग में दोस्तों कौन कौन से होते हैं, आप सभी को दोस्तों दिमाग में कनेक्ट कर गई होगी बात, मैं किस चीज की दोस्तों बात करने वाला हूं आप सभी के पास साथ में। तो सबसे पहले दोस्तों पाषाण युग में क्या होता है साथी? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसे हम बोल देते हैं ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, एक तो नाम दोस्तों इसका क्या हो जाता है? ओल्ड स्टोन एज। और दूसरा दोस्तों हम इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियो लिथिक पीरियड। भैया इंग्लिश में कोई गलती हो तो समझ जाना, इंग्लिश का मास्टर नहीं हूं मैं। ठीक है, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। अगर इसके हम पीरियड की दोस्तों बात करें, तो लगभग ढाई ढाई लाख से, मतलब दोस्तों 2.5 मिलियन से लगभग दोस्तों इसका पीरियड जो चला वो चला दोस्तों आपका कितना, बताइए कितना चला दोस्तों? 8000 BC। ठीक है, मतलब 2.5 मिलियन BC से लेकर इसका पीरियड कितना चला? 8000 BC तक। अच्छा, बहुत से बच्चों को दोस्तों ये कन्फ्यूजन होगी कि सर बीसी क्या होता है। ठीक है, तो बीसी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक छोटे से बिंदु से आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों मैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु से बस आप समझ जाएंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए, यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या है? जीरो है। ये क्या है साथी? हमारा जीरो है। अब क्या है ये साथी? हमारा जीरो है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आज हमारी तारीख कितनी है दोस्तों? 20 तारीख है, और साल कौन सा है? 2022।
ठीक है, साल कौन सा है आपका? 2022। अब दोस्तों 2022 जब चल रहा है तो 2022 से पहले दोस्तों 1000 भी आई होगी सन, और 1000 से पहले दोस्तों आपकी 500 भी आई होगी सन, और 500 से पहले दोस्तों आपकी 100 भी आई होगी। ठीक है, 500 से पहले दोस्तों क्या आई होगी? आपकी 100 भी आई होगी, 100 भी दोस्तों आई होगी। तो मतलब दोस्तों हमारा कैलेंडर जो दोस्तों लिया जाता है ना, जो कैलेंडर हमारा दोस्तों लिया गया है, कैलेंडर दोस्तों कैलेंडर की हम बात करते हैं, कैलेंडर जो हमारा लिया गया है वो क्रिस्ट, मतलब दोस्तों आपके क्रिस्ट के बर्थ से लिया गया है क्रिस्ट। ठीक है, क्रिस्ट के बर्थ से लिया गया है कैलेंडर। ठीक है, तो एक बात आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले दोस्तों जो होता है बिफोर क्रिस्ट, तो हम उसे कहते हैं ईसा पूर्व। क्या बोल देते हैं दोस्तों? ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले दोस्तों क्या हो जाता है? ईसा पूर्व, जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद इसे हम बोलते हैं दोस्तों ईसवी। ठीक है, ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब ईसा मसीह का जन्म हम मान सकते हैं कि यहां पर हुआ था। ठीक है, तो जन्म से पहले दोस्तों तो हम उसे कहेंगे ईसा पूर्व, और जन्म के बाद की जो डेट होगी ईसा मसीह के वो होगी दोस्तों ईसवी। ठीक है, ईसवी, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम पुरापाषाण काल पे थे हम लोग, तो हमारा पहला दोस्तों क्या होता है? पुरापाषाण काल। ठीक है, अगर दूसरे की हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो दूसरा होता है हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं? मीजोलिथिक पीरियड, मीजो लिथिक पीरियड। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड, जिसका कितना था दोस्तों पीरियड? 8000 BC से लेकर 4000 BC तक बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है नव पाषाण काल, तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या होता है? नव पाषाण काल। अभी मजा आ जाएगा दोस्तों आपको क्लास में, जब आपको मैं पहले फोटो दिखा के समझाऊंगा ना, तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने ऐसी क्लास YouTube पर ली ही नहीं होगी दोस्तों, इस बात की गारंटी है। ठीक है, फिर दोस्तों नव पाषाण काल, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, जिसका दोस्तों पीरियड क्या था? 4000 BC से लेकर दोस्तों आपका कितना था? 2500 BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, इतनी बात सभी को दोस्तों उम्मीद करता हूं बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में अगर आ गई हो दोस्तों तो हम आगे बढ़ें। एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों क्लास को, और शेयर जरूर कर दें दोस्तों अपने सभी दोस्तों और मित्रों में। ठीक है, शेयर और लाइक रुकने नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों हम किसकी? पुरापाषाण काल की। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात किसकी करेंगे? दोस्तों हम बात करेंगे पुरापाषाण काल की। तो चलिए मैं हेडिंग बनाता हूँ दोस्तों, कौन सी? पुरापाषाण काल। ठीक है, हेडिंग कौन सी बनाते हैं हम लोग भाई? पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए, क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे हम दोस्तों क्या कह सकते हैं? ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है भाई, पुरापाषाण काल। उम्मीद करता हूँ साथ ही सभी लोग ध्यान से समझ रहे होंगे। और इसका अगर दोस्तों पीरियड की बात करें तो मैंने भी आपको कितना बताया? 2.5 मिलियन BC से लेकर दोस्तों कितना दोस्तों? 8000 BC तक। कितना बताया दोस्तों मैंने? 2.5 मिलियन BC से लेकर 8000 BC तक। ये क्या था दोस्तों इसका? ये है इसका पीरियड। ठीक है भाई, ये क्या है? पीरियड। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पुरापाषाण काल में जो हमारे पुराने पूर्वज थे, जो मतलब जो लोग थे दोस्तों, वो किस प्रकार के थे, कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया। अब जब दोस्तों वो थे तो उन्होंने भी अपना जीवन जिया होगा, वो भी कुछ ना कुछ खाते होंगे, जैसे अपने लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या आविष्कार किए, क्या क्या चीज़ें उन्हें नई नई देखने को मिली, उन सब बातों पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो पुरापाषाण काल दोस्तों जो था मनुष्य के द्वारा, इसमें दोस्तों सबसे बड़ा आविष्कार जो था दोस्तों आग का आविष्कार था पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो दोस्तों पॉइंट बना के आप लोग लिखेंगे जो भी मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, जो भी मैं लिख पाऊंगा उसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? आग का आविष्कार, या फिर आग का
आग के बारे में जाना, ठीक है, आग के बारे में जाना, आग के बारे में इन्होंने क्या करा, जाना, ठीक है, समझ में मेरी बात, क्या किया इन्होंने, आग के बारे में जाना। और दोस्तों जब ये लोग थे दोस्तों पूरा पाषाण काल में, तो दोस्तों कैसे थे, ये लोग गुफा में रहते थे, ठीक है, कैसे रहते थे, जब बहुत पुराने थे तो क्या करते थे, गुफा में रहते थे। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, पहले जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लीजिए पॉइंट, ये लोग क्या करते थे दोस्तों, गुफा में रहते थे। और मनुष्य दोस्तों जो इस काल में जो था ना आपका दोस्तों, मनुष्य वो इस काल में दोस्तों क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था, ठीक है, मनुष्य इस काल में क्या हुआ करता था, शिकारी। ऐसे करके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के लिखिए दोस्तों, आपका बिल्कुल क्लियर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपी पुलिस लेखपाल हो, ठीक है, चाहे आपका दिल्ली पुलिस में दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर AWO TPO, कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी दोस्तों, उस एग्जाम को आप बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करते थे, इन्होंने दोस्तों इसमें क्या पत्थर का प्रयोग, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पत्थर का प्रयोग किया, किसने भाई, पूरा पाषाण काल में पत्थर का भी क्या किया इन लोगों ने, प्रयोग किया। और दोस्तों इन्होंने एक बनाई हैंड कैश, ठीक है, हैंड एक्स बनाई दोस्तों, ठीक है, हैंड एक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हैंड एक्स क्या चीज है भाई, हैंड एक्स, तो हैंड एक्स को ही दोस्तों हम लोग क्या कह देते हैं, कुल्हाड़ी, हैंड एक्स को ही दोस्तों हम लोग क्या कह देते हैं, कुल्हाड़ी भाई कह देते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और है स्क्रैपरम, इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्क्रैपरम भी, स्क्रैपरम, ठीक है, स्क्रैपरम भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो ये इतने पॉइंट दोस्तों आप सभी लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। मनुष्य इस काल में क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था भाई, और पत्थर से बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार करता था, ठीक है। जब पत्थर से दोस्तों जो इसने किया ना पत्थर का प्रयोग, तो पत्थर का प्रयोग क्यों किया इसने, तो पत्थर का प्रयोग इसने किया भाई शिकार करने के लिए। शिकार किन से किया इसने, औजार बनाए या फिर टूल्स, टूल्स मतलब दोस्तों क्या बनाया इसने, औजार बनाए शिकार करने के लिए पत्थर से, तो पत्थर से बड़े बड़े औजार बनाया इसने, और इसने क्या किया भाई, शिकार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, शिकार करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर है, तो कुछ दिखा दूं आपको, चलिए तो दोस्तों दिखाते हैं हम लोग आपको। ये है दोस्तों, देखिए क्या है, ये जो दोस्तों है आपका, ये है पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये साथी क्या है आपका, पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये क्या है साथी, पूरा पाषाण काल। और रटवा दूंगा आपको एक एक चीज, क्या बताया मैंने इसका पीरियड बताइए, पूरा पाषाण काल का पीरियड बताइए, जल्दी से, जल्दी से कमेंट में, जल्दी से कमेंट में पीरियड बताइए, क्या बताया था मैंने भाई, 2.5 मिलियन से लेकर, 2.5 मिलियन BC से लेकर कितना बताया दोस्तों मैंने, 8000 BC तक क्या था इसका पीरियड था, ठीक है। मैंने और पॉइंट आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने और पॉइंट क्या बताया आपको, पत्थर का प्रयोग किया, पत्थर का प्रयोग क्यों किया भाई इन्होंने, औजार बनाए बड़े बड़े, औजार किस लिए बनाए भाई इन्होंने, औजार बनाए इन्होंने भाई साहब खाने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है। आप ऐसे करके समझ के चलिए कि बहुत पुरानी बात है भाई, ये देख लीजिए, ये हैं ये साहब हैं और आपके ये साहब हैं, ठीक है, एक तो ये बैठ के रह ही गए, ठीक, ये आराम से बैठे हैं, और इनके हाथ में आप लोग देख सकते हैं भाई क्या है, ये हाथ में क्या है इनका, ये पत्थर का हथौड़ा टाइप का, कुल्हाड़ी टाइप का है साथी, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये इस समय शिकार करने आए हैं किसका, मछली का या फिर फिश का, ठीक है। तो ये क्या करते थे दोस्तों, पत्थर के औजार बना बनाकर शिकार किया करते थे, किसके लिए दोस्तों, खाने के लिए शिकार करते थे, ठीक है। तो इस बात को मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, औजारों के जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए, बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता लगा कि सर ये औजार हमें कैसे प्राप्त हुए, या क्या सबूत है हमारे पास कि ये औजार यही यूज करते थे, ये बच्चों के मन में सवाल उठ सकता है, ठीक है। तो भाई औजार के सबूत दोस्तों कहां से प्राप्त हुए वो भी लिख लीजिए, साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, साक्ष्य इसको प्राप्त हुए, एक तो दोस्तों प्राप्त हुआ है सोहन नदी, ठीक है, सोहन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से दोस्तों प्राप्त हुए। और दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, नर्मदा नदी घाटी से दोस्तों प्राप्त हुए आपके। और अगर तीसरे नंबर पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो बेलन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुए, औजारों के साक्ष्य, ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुए दोस्तों, टूल्स के एविडेंस प्राप्त हुए, ठीक है भाई। तो बहुत बिंदास तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल बिंदास तरीके से ही आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चन अगर आपके रह जाता है उसके बाद दोस्तों आप मुझसे कहें कि हाँ साहब ये क्वेश्चन रह गया,
ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्या मध्य पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के हमने जाना कि पुरापाषाण काल में दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि पुरापाषाण काल में दोस्तों इस प्रकार से लोग क्या किया करते थे, साथ ही शिकार किया करते थे। ठीक है, देखिए ये सभी दोस्तों शिकार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं? नदी के पास दोस्तों ये लोग बैठे हैं मछली का शिकार करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है मीजोलिथिक पीरियड, या दोस्तों जिसे हम क्या कह सकते हैं, मीजोलिथिक पीरियड या फिर मध्य पाषाण काल। ठीक है, चलिए दूसरा क्या आ जाता है, मध्य पाषाण काल। चलिए फिगर के बराबर में ही समझाता हूं आपको, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मनुष्य में, मानव में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ दोस्तों। और अगर इसके हम पीरियड के साथ ही बात करते हैं तो इसका पीरियड दोस्तों था 8000 BC से 4000 BC। ठीक है भाई, 8000 BC से लेकर 4000 BC तक, ये क्या था दोस्तों आपका मीजोलिथिक पीरियड या मीजोलिथिक एज। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड। यहां पर देखिए दोस्तों इन लोगों में क्या हुआ, अपडेट हुआ। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, शिकार खेलना शुरू किया, मतलब पूरे प्रॉपर ढंग से शिकार प्रारंभ किया इन्होंने, शिकार इन्होंने प्रारंभ किया। अब जब इन्होंने शिकार प्रारंभ किया तो शिकार के लिए दोस्तों इन्हें औजारों की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, इन्हें क्या हुआ दोस्तों, औजारों की जरूरत होगी। फिर इन्होंने दोस्तों क्या बनाया, तीर कमान। तो आप क्या कह सकते हैं, तीर कमान का आविष्कार दोस्तों किसमें हुआ था आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें हुआ था, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पशुपालन भी इन्होंने करना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, पशुपालन करना स्टार्ट किया। ये पॉइंट आप सभी लोग लिखेंगे, पशुपालन करना इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। पशुपालन करना क्या किया इन लोगों ने, प्रारंभ किया। और जिसके साक्ष्य दोस्तों आपको देखने को कहां से मिल सकते हैं, जिसके साक्ष्य या एविडेंस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे आदमगढ़ से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसलिए लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आदमगढ़ दोस्तों जो कहाँ पड़ता है आपका, MP में। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, MP में। इनका दोस्तों पालतू पशु भी था, इनका पालतू जो पशु था दोस्तों वो था आपका कुत्ता। ठीक है, इनका पालतू पशु क्या था, कुत्ता। जब मैं आपको दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा, हड़प्पा नगर, जब आपके बारे में, हड़प्पा नगर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों इसका फोटो मैं दिखाऊंगा कि मानव के साथ में वो लोग जो हुआ करते थे, वो अपना पालतू पशु जो उनका प्रिय पशु होता था, जैसे मान लीजिए मानव का दोस्तों कंकाल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुत्ते का कंकाल भी इनके साथ में था, मतलब प्रिय पशु को भी इनके साथ में दफना दिया जाता था। ठीक, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोगों ने दोस्तों, ये देखिए क्या बना रहा है, ये देखिए इतने डिब्बे में, ये देखिए सर क्या है, ये देखिए तीर कमान बनाया भाई ने, तीर कमान बनाया। ये देखिए ये भी दोस्तों तीर कमान से क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। ये भी देखिए तीर कमान ले जा रहा है, और ये देखिए ये लकड़ी से अपना प्रोडक्ट मशीन तैयार कर रहा है, ये भी देखिए शिकार कर रहा है। तो इसलिए मैं दोस्तों इन फोटो को लेकर आया हूँ ताकि आप बिल्कुल जुड़ सकें उन चीज़ों से, बिल्कुल उस लेवल पर जाकर आप सीख सकें जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। और ये दोस्तों अपडेट आपको इसलिए दे रहा हूं मैं दोस्तों ताकि आप क्वेश्चन गलत ना कर सकें एग्जाम में, अगर आपके पास आता है तो। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं दोस्तों? तो इसके साक्ष्य दोस्तों आपको मिलते हैं बागौर से। बागौर दोस्तों कहां पड़ता है? राजस्थान। ठीक है, बागौर कहां पड़ता है भाई आपका? राजस्थान में। ठीक है भाई। अच्छा, मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य अगर पूछ लेता है कि मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा पॉइंट बनाकर, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, ये शायद पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मानव जो कंकाल है लिख लीजिए मेरे साथ में, मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? आपके सराय, नाहर और क्या है दोस्तों, राय। ठीक है, सराय, नाहर, राय और महदहा, एक जगह थी दोस्तों महदहा। ठीक है, और क्या है, महदहा, महदहा जो दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। ये दोस्तों ये जगह मैं बता रहा हूँ महदहा, ये कहाँ साथी, ये है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या था हमारा, न्यू स्टोन एज, या जिसे हम दोस्तों क्या कह देते हैं, नव पाषाण काल। ठीक है, क्या कह देते हैं भाई, मेरा भाई क्या कह देते हैं, नव पाषाण काल जिसे हम लोग कह देते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल, चलिए न्यू सेक्शन नंबर 4। चलिए ये है दोस्तों आपका क्या, नव पाषाण काल। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको फोटो।
जिससे आपको दिख सके दोस्तों कि चल क्या रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखा होगा, ये लोग थोड़े और अपडेट हुए। सबसे पहले दोस्तों ये क्या करते थे, गुफा में रहते थे, फिर इनमें थोड़ा परिवर्तन आया, इन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया। ये बात किसकी हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है किसकी दोस्तों, ये बात हो रही है मिडिल स्टोन एज की, ठीक है। और ये बात दोस्तों किसकी हो रही थी, ये हो रही थी ओल्ड स्टोन एज की, जिसे हम कहते हैं पुरापाषाण काल, जो गुफा में रहते थे, फिर थोड़े अपडेट हुए, इन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया, मछली वगैरह का शिकार करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद और अपडेट हुए दोस्तों, तो हम आते हैं सीधा नवपाषाण काल, ठीक है। यहाँ हेडिंग में डालता हूँ क्या भाई, नवपाषाण काल, जिसे हम दोस्तों क्या कह देते हैं, न्यू स्टोन एज, या फिर दोस्तों हम इसे कह देते हैं न्यू लिथिक पीरियड, न्यू लिथिक पीरियड। कोई बच्चा है दोस्तों जो मुझे बताएगा कि दोस्तों इसका कितना दोस्तों पीरियड था न्यू लिथिक पीरियड का, तो दोस्तों वो था आपका 4000 BC से लेकर 2500 BC, ठीक है। ये चीजें आप नहीं भूलेंगे भाई, ये चीजें दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि न्यू लिथिक पीरियड कब से कब तक था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, नवपाषाण काल में इन्होंने कृषि करना स्टार्ट की। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये लोग क्या कर रहे हैं सब, ये देखिए ये क्या कर रही हैं, कृषि के लिए क्या कर रही हैं, कृषि, ये देखिए क्या कर रहे हैं, कृषि। सभी को अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये मोस्टली लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, मतलब किसी चीज की बुआई आपकी कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आप लोग यही लिखेंगे कि इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, कृषि, ठीक है, कृषि की। अच्छा कृषि इन्होंने की, किसकी कृषि की इन्होंने, गेहूं और जौ की, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है गेहूं और जौ की, गेहूं और जौ की इन्होंने क्या किया भाई, खेती की, ठीक है, गेहूं और जौ की इन्होंने क्या की, खेती की। अच्छा खेती के या गेहूं और जौ के जो साक्ष्य थे दोस्तों कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से, ठीक है। हमें पता है भाई तुम मानोगे तो नहीं बगैर एविडेंस के, तो मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले। और इन्होंने धान की खेती भी दोस्तों की थी, ठीक है, धान की खेती, धान की खेती जो दोस्तों कहाँ थी, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा दोस्तों एक जगह थी जो थी दोस्तों आपकी प्रयागराज में, ठीक है भाई, प्रयागराज में थी दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोस्तों क्या करा, इन्होंने तांबे की खोज भी की थी। तो इनका सबसे बड़ा दोस्तों आविष्कार क्या कह कह सकते हैं हम, तांबे की खोज, तांबे की खोज भी इनका क्या था, आविष्कार था। और दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, जिसके लिए जाने जाते हैं दोस्त, वो थे आपका पहिए का आविष्कार। किसमें हुआ था भाई, पहिए का आविष्कार, आप सभी को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितने बार आ चुका है। तो भाई पहिए का आविष्कार भी कहाँ हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, सबसे बड़ा आविष्कार है, इसको आप लोग स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। पहिए का आविष्कार किसमें हुआ भाई साहब, न्यूलिथिक पीरियड या फिर न्यू स्टोन एज में, ठीक है, न्यू स्टोन एज में, न्यू स्टोन एज में हुआ था भाई, क्लियर भाई। चलिए भैया इन लोगों ने क्या किया, हड्डियों से बने हथियारों का यूज किया, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, हड्डियों से बने हथियार, हड्डियों से बने हथियार इन लोगों ने यूज किए, हड्डियों से बने हथियार, हड्डियों से बने हथियार क्या किए इन लोगों ने भाई, यूज किए इन्होंने, ठीक है। और ये लोग पूजा भी करते थे, पूजा करना भी दोस्तों नवपाषाण काल से शुरू हुआ, ठीक है, ये लोग क्या करते थे भाई, पूजा भी करते थे आपका, ठीक है। तो इतनी चीजें दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं, उम्मीद करता हूं। सबसे पहली कृषि जौ गेहूं और कपास की, ठीक है, सबसे पहली कृषि अगर पूछ ले तो क्या लिखेंगे, जौ गेहूं और कपास, ठीक है, सबसे पहली कृषि जौ गेहूं और कपास की। चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश से भाई प्रयागराज से मिले। पहिए का आविष्कार किया इन्होंने, ठीक है, पहिए का आविष्कार किया इन्होंने। अच्छा इसी में ही क्या हुआ था दोस्तों, इसी में ही दोस्तों क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में, गुफराल में, ठीक है, जम्मू कश्मीर का दोस्तों एक गुफराल है दोस्तों, गुफराल, गुफराल, नोट्स की टेंशन मत लीजिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, नोट्स आप साथ में करते भी रहें और आपको PDF भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। गुफराल में दोस्तों एक कब्र देखी गई, कब्र, गुफराल में एक कब्र देखी गई, तो उसमें दोस्तों एक मानव के साथ में, मानव के साथ में एक कुत्ते की हड्डी के साक्ष्य भी मिले थे, कुत्ते की हड्डी के या जानवर की हड्डी के साक्ष्य मिले थे। तो इनका पालतू पशु दोस्तों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो क्या था दोस्तों, कुत्ता था, इनका पालतू पशु दोस्तों क्या था, कुत्ता था, ठीक है। इसी काल में मनुष्य ने सबसे पहली तांबा धातु प्राप्त की थी, ठीक है। तो दोस्तों ये इतना आज मैंने जो आपको बताया है ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 5 में क्या है, तो सेक्शन 5 में कल हम लोग इस पर बात कर रहे होंगे, ठीक है।
कल हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा टॉपिक हमारा क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, न्यूलिथिक जो नवपाषाण काल है दोस्तों, नवपाषाण काल में दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभी औजार थे, तो औजार हड्डियों से बने औजार मैंने बताया। तो देखिए ये सब क्या है दोस्तों, आपके कुल्हाड़ी है, और ये दोस्तों ये हथौड़ी है, ये दोस्तों थौर वाला हथौड़ा है नहीं, तो ये सभी दोस्तों क्या है आपके, ये सभी दोस्तों हड्डी से बने हथियार हैं। तो बहुत अच्छी दोस्तों क्लास आपके लिए लेकर आया था मैं, फुल मेहनत से दोस्तों आपके लिए क्लास बनाई है मैंने, बहुत मेहनत की है दोस्तों इन सभी फिगर को, सभी चित्र को इकट्ठा करने में। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि मैं ही सिंधु घाटी सभ्यता का रहने वाला हूँ जैसे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस फैमिली को दोस्तों जल्द से जल्द 10K फैमिली बनाएं दोस्तों, सब्सक्राइब करवा के दोस्तों से अपने सभी से शेयर करके वीडियो को। और क्लास उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर जरूर करें सभी दोस्तों में। ठीक है भाई, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल हम लोग डिस्कस करेंगे भाई सिंधु घाटी सभ्यता। तो कल मुझे क्लास में सभी के अटेंडेंस चाहिए, क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कल हम लोग पढ़ेंगे, और कल जब क्लास में आप आएंगे तो रिवीजन करके जरूर आएंगे, बिना रिवीजन के अगर मुझे क्लास में कोई दिखा तो समझो वो इसी भाले से पिटा, ये थोर वाले भाले से, ठीक है, इसी भाले से मारूंगा। ठीक है, अगर कोई बगैर रिवीजन करके आया तो। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।